Hello students, today I am going to explain you your exercise 4.2. Question 5. Use the division method to find the prime factorization. Prime factorization निकालने के लिए हमें division method से निकालना है. कल हमने prime factorization method factor tree method से निकाला था. Tree बना के हमने नीचे इसी तरीके से लिखा था multiply by number. और ये डिवीजन मेथड है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ए पार्ट है 87. स्टूडेंट्स 87 टू से डिविजिबल तो है नहीं, इसकी वजह से इस पर 0 टू 4 से सेट नहीं है, तो हम इसको 3 से चेक करेंगे. 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 8 और 7 को ऐड करेंगे. 8 और 7 को ऐड किया 15 आया, इट मींस ये 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 के 10 में 8 से कम क्या आता है, 3 2 जा 6, 8 में से 6 माइनस के कितना बचा, 2. 2 इस 7 के सामने लग जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 27. ठीक है, 3 9 जा 27. अब बेटा ये 29 इज अ प्राइम नंबर, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो इसे हम किसी से चेक नहीं करेंगे, सीधे 29 बन जा 29 आ जाएगा. ठीक है, देन आर प्राइम फैक्टर्स आर 3 एंड 29, 3 मल्टीप्लाई 29. ठीक है, नेक्स्ट है 120. अब ये 0 है यहाँ पे, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से करेंगे. इजी है स्टूडेंट्स, ये आपने ये अपने फोर्थ क्लास में भी किया है, एक बार आप सुनेंगे तो आपको आ जाएगा, ध्यान से सुनिए. ठीक है, 2 6 12, ठीक है, 0 बचा है बस, 0 लिख देंगे, इजी है. 2 3 जा 6, 0 बचा है, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, 0 है यहाँ पे. अब हम 2 की टर्म में 3 को देखेंगे, 2 की टर्म में 3 से कम क्या आता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 इसके आगे, 2 5 जा 10. ठीक है, अब ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा, यहाँ पे 0 2 4 6 एंड कुछ नहीं है, किसके टेबल में आ रहा बेटा, ये 3 के टेबल में, 3 5 जा 15 इन द लास्ट 5 से. ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे. प्राइम फैक्टर्स 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन 3 एंड देन इन द लास्ट 5. ठीक है, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 100. ये भी इजी बेटा, 2 से हो रहा है 0 2 4 6 8 8 है तो ये 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10, अब 2 4 जा 8, सिंपल आ गया. नेक्स्ट अभी भी 0 2 4 4 है तो ये 2 से हो रहा है, 2 भी टेल है बेटा 5 को देखेंगे, 2 भी टेल है 5 से कम क्या आता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से बेटा 4 माइनस करा कितना आया 1, 2 2 जा 4, अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आया 1, 1 इस 4 के सामने लग जाएगा, तो ये 4 क्या 14. अब 2 की टेबल 14 कब आता है, 2 7 जा 14. ठीक है, अब ये 2 की टेबल में नहीं आता, 0 2 4 6 7 कुछ नहीं है यहाँ पे, ये 2 की टेबल में नहीं आता, तो हम 3 से करेंगे, 3 9 जा 27. ठीक है, अगेन ये 3 की टेबल में आता है, 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3 की टेबल में 3 बन जा 3 हो जाएगा. ठीक है, अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. प्राइम फैक्टर्स क्या है इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम्स आएगा. दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सम फिल इन द ब्लैंक्स. आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ
number is, you know what is composite number? The number which has more than two factors. जिस number के more than two factors होते हैं, तो smallest composite number क्या रहता? देखिए, one तो ना prime है ना composite number है, two prime number है, three भी prime number है, तो क्या आया? Four. The smallest composite number is four. ठीक है? Next है dash is the only even prime number. ये कौन सा प्राइम नंबर इवन नंबर है? कौन सा है ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन नंबर है? बेटा सारे जो इवन नंबर है सारे टू टेबल में आते हैं, तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे टू टेबल में आते हैं. लेकिन एक टू ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है. ठीक है, ईच प्राइम टू बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है. टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड इट इज ऑल्सो अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ठीक है, टू सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है. नेक्स्ट है ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली प्राइम नंबर के बेटा कितने फैक्टर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं और प्राइम नंबर के एग्जैक्टली बिल्कुल सिर्फ टू ही फैक्टर होते हैं. टू. ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज नाइदर प्राइम ना ही प्राइम है ना ही नॉर अ कंपोजिट ना ही कंपोजिट है. कौन सा बेटा? लास्ट क्लास में बताया था वन. वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, नेक्स्ट है डैश एंड डैश प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60. स्टूडेंट कोशिश कीजिए प्राइम नंबर्स लर्न करने की. आप उसको जब भी बुक खोलते हैं ना उसको एक बार देख लीजिए, आपको एक दो बार में क्या भी लर्न हो जाएंगे. तो 50 के बाद बेटा 50 और 60 के बीच में 51 नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 और 59. ठीक है, दीज टू आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4.3. नाउ स्टूडेंट दिस इज योर एक्सरसाइज 4.3. इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ बाय लिस्टिंग देयर फैक्टर्स. आपको पहले इनके फैक्टर्स लिखने हैं 60 और 140 के और फिर उनसे एचसीएफ निकालना है. ठीक है, हमने ये 63 के फैक्टर्स निकाल लिए. 63 का पहला फर्स्ट पेयर क्या बनेगा? 163 का बनेगा. फिर 63 टू से डिविजिबल तो है नहीं, 0 2 4 6 8 नहीं है, 3 से डिविजिबल है तो 3 से इजी है करना. 3 मल्टीप्लाई 3 2 6 3 1 3 21 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट 4 से भी डिविजिबल नहीं है ये. ठीक है, 5 से 0 5 नहीं है, 60 का एलिमेंट भी नहीं आता, 60 और 6 11 जा 66 तो 6 से भी नहीं हो रहा. 7 9 जा 63 होता है तो वो हमने लिख दिया. ठीक है, 7 के बाद 8 के टेबल में नहीं आता 63, 8 के बाद 9, लेकिन 9 यहाँ पे लिखा हुआ है तो अब इससे आगे हम नहीं देखेंगे. ठीक है, अब हम इसके फैक्टर लिख देंगे. 1 2 सॉरी 3 देन 7. अब उल्टा लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे, रिवर्स करेंगे इसको. 9 देन 21 देन 63. ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 63. ना अब 140 के निकालेंगे. फर्स्ट पेयर तो आपका यही बनेगा, सेकंड पेयर बेटा 2 से डिविजिबल है, 0 है इसमें, 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14 0 का 0 इजी है, 2 7 जा 14 0 का 0 आ गया. अब 3 से डिविजिबल है ये? नहीं, 4 और 1 को प्लस करके 5 आता है, 5 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से ये 3 से डिविजिबल नहीं है. 3 के बाद 4, 4 से डिविजिबल है इसके, देखिए 4 से लास्ट के दो डिजिट 40 4 के टेबल में आ रहा है तो ये 4 से डिविजिबल है. 4 से लेके करके देखिए इसको, 4
थ्री जा ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर्टीन में से ट्वेल्व गए, ट्वेल्व माइनस किया टू आया, टू और जीरो ट्वेंटी हो गया, फोर फाइव जा ट्वेंटी, तो थर्टी फाइव आ गया। अब ये फाइव से भी हो रहा है कि किसकी वन स्पेस पर जीरो है, वन स्पेस पर जीरो तो फाइव से भी होगा। ये फाइव के लिए क्या कंडीशन है बेटा, फाइव के लिए वन स्पेस पर जीरो और फाइव होना चाहिए, या तो जीरो या फिर फाइव होना चाहिए वन स्पेस पर, ठीक है। अब हम इसको फाइव से करेंगे, फाइव के टेन में फोर्टीन से कम क्या आता है, फाइव टू जा टेन, फाइव टू जा टेन, फोर्टीन में से टेन माइनस किया कितना बचा फोर, फोर और जीरो फोर्टी हो गया, ठीक है। फोर इसके सामने लग जाएगा, ये फोर्टी हो जाएगा, फिर फोर, फिर फाइव के टेन में फोर्टी को देखेंगे क्या आया, फाइव एट जा फोर्टी, ठीक है। अब ये सिक्स से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये टू से हो रहा है लेकिन थ्री से नहीं हो रहा, तो बेटा सिक्स से भी नहीं होगा, ठीक है। सेवन से हो रहा है, ये सेवन टू जा फोर्टीन, देख के ही पता चल रहा है, सेवन टू जा फोर्टीन जीरो, ठीक है, सेवन से भी हो गया ये। अब एट से हो रहा है, एट की टेल में देखेंगे, एट से कटिंग करके देख लीजिए, एट वन जा एट, फोर्टीन में से एट माइनस किया सिक्स, सिक्स आया, सिक्स इस जीरो का सामना किया सिक्सटी, तो ये एट से नहीं हो रहा, सिक्सटी सिक्स सिक्सटी एट के टेबल में नहीं आ रहा, एट से नहीं हो रहा, नाइन नाइन से नहीं होगा, एड करिए इसको, फोर और वन फाइव आता है, फाइव नाइन के टेबल में नहीं आता, नाइन से म्यूनिसिपलिटी की हम ठीक की तरह ही चेक करते हैं, ठीक है, प्लस करके इसको एड करके, फोर और वन फाइव, फाइव नाइन के टेबल में नहीं आ रहा, तो एक भी नहीं आएगा। अब टेन के टेबल में आ रहा है, टेन फोर्टीन, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे, पहले फर्स्ट फर्स्ट पेयर का फर्स्ट फर्स्ट नंबर लिखेंगे, वन फिर टू फिर फोर फिर फाइव फिर सेवन फिर टेन, फिर आप रिवर्स रिवर्स बैक से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 140 के फैक्टर्स आ गए। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दोनों के हम कॉमन फैक्टर निकाले हैं, वन कॉमन है, अब टू तो कॉमन नहीं है, फोर भी कॉमन नहीं है, फाइव भी नहीं है, सेवन, अब सेवन कॉमन है बस, अब और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हो गए आपके वन और सेवन। अब बेटा ये कॉमन फैक्टर्स में से जो बड़ा फैक्टर है, जो ग्रेटर फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर है, दैट इज योर एलसीएम। स्टूडेंट्स यू नो द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, सेवन, देन सेवन इज आर एलसीएम, ठीक है, एलसीएम की मीनिंग ही यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है। नाउ इसका सी पार्ट करते हैं, नाउ दिस इज सी पार्ट, 180 और 225, इसका हमें एलसीएम निकाला है, 180 इज अ का फर्स्ट पेयर यही बनेगा, वन मल्टीप्लाई 180, अब ये बेटा टू से हो रहा है डिविजिबल, टू से इसको लिखना आसान है, टू मल्टीप्लाई टू नाइन जा एटीन, जीरो का जीरो, ये नहीं हर चीज आपको रफ में करनी पड़ेगी, जब ये पूरा नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। थ्री से भी ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, थ्री सिक्स जा एटीन, जीरो का जीरो आ गया, ठीक है। अब फोर से हो रहा है ये, यस हो रहा है, लास्ट के टू डिजिट फोर से डिविजिबल है, फोर टू जो एट होता है, जीरो का जीरो हो गया, तो ये फोर से भी डिविजिबल है, फोर से हम करके देख लेते हैं,
रही है, 4 की टेबल में 18 से कम क्या आता है, 4 की टेबल में 18 से कम क्या आता है, 4 4 जा 16, ठीक है, 18 को हम देखेंगे 4 की टेबल में, तो क्या आया 4 4 जा 16। अब 16 को 18 में से माइनस करेंगे, 16 को 18 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 इस 0 के सामने लग जाएगा, ये 0 कितना बन गया 20, अब 4 5 जा 20 45 आ जाएगा। 5 से भी हो रहा है, इसकी मंजिल इसका 0 है, इसलिए 5 से भी हो रहा है, 5 से करके देखते हैं। 5 की टेबल में 18 को देखेंगे, 5 की टेबल में 18 से कम क्या आता है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 18 में से 15 किया कितना आया 3, 3 0 के सामने लग जाएगा, 5 6 30, तो कितना आया बेटा 5 से करने के बाद 36, इसे भी हम लिख देंगे, अब बेटा ये 6 से भी हो रहा है क्योंकि 2 से भी हुआ है ये और 3 से भी हुआ है, तो 6 से भी होगा, ये ध्यान रखना है, जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी ओरल ही हो जाएगा, 6 3 जा 18, 0 का 0। अब बेटा ये 7 से नहीं हो रहा है, 8 से देखेंगे, 8 से भी नहीं हो रहा है, अब 9 से हो रहा है, तो हम इसको 9 से करेंगे, नाइन से कैसे पता चला बेटा,
टू और टू फोर, फोर और फाइव नाइन, नाइन नाइन की टेबल में आता है, तो ये नाइन से हो रहा है, नाइन से करेंगे आप हम, नाइन टू जा एटीन, नाइन टू जा एटीन, अब ट्वेंटी टू में से एटीन माइनस करेंगे कितना है फोर, फोर इस फाइव के सामने लग जाएगा, तो फाइव क्या बन गया फोर्टी फाइव, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, टेन से नहीं हो रहा है बेटा, अब ये सीधे फिफ्टीन से होगा, टेन से भी नहीं हो रहा, इलेवन से भी चेक करेंगे तो नहीं हो रहा, इलेवन से ट्वेल्व से भी नहीं हो रहा, थर्टीन से भी नहीं हो रहा, फोर्टीन से भी नहीं हो रहा, अब ये बेटा सीधे फिफ्टीन से होगा, फिफ्टीन फिफ्टीन से हम कटिंग करके देखेंगे यही आएगा, आप देख लीजिए फिफ्टीन बन जा फिफ्टीन, ट्वेंटी टू में से फिफ्टीन माइनस के कितना है सेवन, सेवन इस फाइव के सामने लग गया, फिफ्टीन फाइव का सेवन, ठीक है, ट्वेंटी टू को फिफ्टीन की टेबल में देखा तो क्या है फिफ्टीन बन जा फिफ्टीन आया, फिफ्टीन बन जा फिफ्टीन लिख दिया, ट्वेंटी टू में से फिफ्टीन को माइनस किया कितना आया सेवन, सेवन इसके सामने लग गया तो ये सेवेंटी फाइव बन गया, फिफ्टीन फाइव का सेवेंटी फाइव, ठीक है, अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे, अब नाइन आएगा, अब फिफ्टीन आएगा, फिफ्टीन फिफ्टीन आ गया तो इसके दो बातें लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ट्वेंटी फाइव, फिर लिखेंगे हम फोर्टी फाइव, फिर सेवेंटी फाइव, फिर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, ठीक है, अब हम इसकी कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर बेटा वन तो होगा ही, उसके बाद देखिए आप एक में टू है एक में थ्री है तो नहीं आ रहा है, कॉमन ही है, फाइव कॉमन है और नाइन कॉमन है, बस बेटा वन फाइव और नाइन कॉमन है इसमें, ठीक है, ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें नाइन के बाद बेटा फिफ्टीन कॉमन है, उसके बाद बेटा फोर्टी फाइव कॉमन है, ठीक है, देन योर एलसीएम इज फोर्टी फाइव, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन टू, दिस इज फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दिस इज योर थर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, पहला फैक्टर ट्री मेथड था, देन लास्ट जो हमने किया अभी वो डिविजन मेथड था, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आपको पता है ऐसे करते हैं बेटा, इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 66 बेटा किससे डिविजिबल है, टू से डिविजिबल है, जीरो टू फोर सिक्स, सिक्स है इसके वन स्पेस पर तो हम इस पर टू से करेंगे, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, अब ये थ्री से डिविजिबल है, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री इन द लास्ट इलेवन, ठीक है, अब नेक्स्ट है 198, ये भी बेटा टू से डिविजिबल है, जीरो टू फोर सिक्स एट, एट है यहाँ पे तो ये टू से डिविजिबल है, तो हम टू की टेबल में 19 को देखेंगे, टू की टेबल में 19 से कब क्या आता है, टू नाइन जा 18, ठीक है, टू नाइन जा 18, 19 में से 18 माइनस किया वन आया, वन इसके सामने लग गया, टू नाइन जा 18, अब ये दोनों किससे हो रहे हैं, ध्यान से देखिए थ्री से हो रहे हैं ये बेटा, थ्री थ्री जा नाइन, अगेन थ्री थ्री जा नाइन, अब थ्री से हो रहे हैं, थ्री इलेवन जा
33 then in the last 11 ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा इसका, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे नीचे। 66 के क्या है बेटा 2, 3, 11। नेक्स्ट इसके कितने बेटा 198 के हैं आपके 2, 3 देन 3 इन द लास्ट 11 ठीक है। अब हम इसका कॉमन निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन देखिए कैसे निकालना है, 2, 2 कॉमन है, थ्री भी कॉमन है, अब 11, 11 कॉमन है ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 3, 6, 11 जा 66 ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एचसीएफ आ गया आपका 66। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 2 से हो रहा है ये, 2, 2 जा 4, 0 का 0 इजी है बेटा ये, 2, 1 जा 2, 10 जा 20, 2, 5 जा 10 इन द लास्ट 5, 1 जा 5 इजी है। अब 80 कैसे हो जाएगा, 2, 4 जा 8, 0 का 0, 2, 2 जा 4, 0 सेम आ जाएगा, 2, 10 जा 20 इन द लास्ट 2, 5 जा 10, 5, 1 जा 5 96 का कैसे करेंगे, 96 किससे डिविजिबल है बेटा, 2 से डिविजिबल है, 0, 2, 4, 6, 6 है यहाँ पे तो 2 से डिविजिबल है, 2 की टेली बेटा 9 को देखेंगे, 2 की टेली में 9 से कम क्या आता है, 2, 4 जा 8, 2, 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, 1 इसके सामने 16 बन गया, 2, 8 जा 16, अब 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8 ठीक है। अब इजी हो रहा है, तो 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 6 इन द लास्ट 3, 5 जा 3 ठीक है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 40 का 3 टाइम्स 2 आएगा 5। अब 80 के 4 टाइम्स हमारा 2 लिखेंगे हम इन द लास्ट 5। अब 96 में 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइम्स 2 आएगा 96 में, और 3 लास्ट ठीक है। तो इसका हाईएस्ट एलसीएफ कैसे निकलेगा, कॉमन देखते हैं, 2, 2, 2 तीनों में 2 कॉमन है। अब इसमें आपने बेटा 2 पे कॉमन निकाला था, तो इसमें 3 पे कॉमन निकाल लेंगे ठीक है। इसमें 2 का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, इसमें 3 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और फिर हम तीनों में कॉमन निकालेंगे, 2 में नहीं तीनों में कॉमन निकालेंगे। देखिए 2, 2 कॉमन है, 2, 2 कॉमन आ रहा है, अब ये वाले 2 भी कॉमन है, और ये भी 2 कॉमन है, अब कॉमन नहीं है, ये इन दोनों में 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में 5 है पर इसमें नहीं है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या होगा इसके, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8 देन 8 इज योर एलसीएफ ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लेंथी है बेटा पर इजी है क्वेश्चन ठीक है। 3 टाइम्स हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर तीनों में कॉमन निकालेंगे ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट, प्र
24, 40 or 50, 60. अब हम इनके करेंगे बेटा टू से डिविजिबल है, ये 0, 2, 4, 4 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 2 जा 4 इजी है, 2 6 जा 10 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, इजी है। नेक्स्ट 40 का करेंगे बेटा ऐसे ही, 40 भी 2 की 10 में आ रहा है, 2 2 जा 4 0 का 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 56 देखते हैं, 56 की वंस में इसमें क्या है, 6 0 2 4 6 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से करेंगे, 2 बटे 5 को देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, अब 7 से बचेगा, ठीक है, ठीक है। 3 times ये 2 से होगा और 1 time 7 से। अब इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं बेटा, 24 के 1, 2, 3 3 times 2 आ रहा है और एक बार 3 है, इसमें 40 के 3 times 2 है, 1 time 5 है, 56 में बेटा 1, 2, 3 3 times 2 है और 1 time, तो बेटा इसमें क्या कॉमन है, देख के पता चल रहा है 3 times 2 कॉमन है, तो ऐसे अब हमारा 2 into 2 into 2 3 times 2 कॉमन आ रहा है दो तीनों में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है फ्रेंड्स। एचसीएफ के आपने आप 3 मेथड कर लिए हैं, एक फैक्टर 3 मेथड है, नेक्स्ट डिवीजन मेथड है और ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है बच्चों। Thank you. Have a good day.